प्यारे बच्चों, आज हम एक पठित गद्यांश का अभ्यास करने जा रहे हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है और आपने इसे पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हम अपने पठित गद्यांश को नोट करेंगे। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और आज हम इसे नोट करते हैं। तो हमारा पठित गद्यांश प्रश्न लिखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब मैं गद्यांश लिखता हूं, आप भी इसे नोटबुक में उतार लीजिए। तभी बादल गरजने लगे मोर नाचने लगा उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल आशीष खुशी से उछल पड़ा। आशीष खुशी से उछल पड़ा। अद्भुत दृश्य था। अद्भुत दृश्य था। अद्भुत दृश्य था। उसने इससे पहले
नाचते नाचते कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था, दीदी इसकी पूंछ देखो, इसकी दीदी इसकी पूंछ देखो, इसकी पूंछ देखो, कैसा कैसा चमकदार गहरा हरा रंग है, चमकदार गहरा हरा रंग है, हरा रंग है, पंखों में तो लगता है, पंखों में तो लगता है कि ढेर सारी तांबे की, तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं, आंखें लगी हैं, इनके बीच का, इनके बीच का इनके बीच का जामुनी रंग भी जामुनी रंग कैसा चमक रहा है, बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है, आशीष आशीष प्रसन्नता से, प्रसन्नता से, प्रसन्नता और जोश में, जोश में बोले जा रहा था, बोले जा रहा था,
तो इसको एक बार हम इसका एक बार पढ़ते हैं, एक या दो बार हम कम से कम इसे पढ़ेंगे। भले ही हमारे ये पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है, इसका अध्यायांश को हम फिर भी दो बार पढ़ेंगे। तो मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप इसे नोट कर रहे हैं। तभी बादल गरजने लगे, मोर नाचने लगा, उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए। आशीष खुशी से उछल पड़ा, अद्भुत दृश्य था। उसने इससे पहले मोर को नाचते कभी नहीं देखा था। दीदी, इसकी पूंछ देखो, कैसा चमकदार गहरा हरा रंग है। पंखों में तो लगता है कि ढेर सारी तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं। इनकी बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है। आशीष प्रसन्नता और जोश में बोले जा रहा। तो बच्चों, ये हमारा पठित गद्यांश है, हम इसे एक बार और पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रश्न आएंगे पूरे पाठ में से नहीं आएंगे, वे इसी गद्यांश से आएंगे। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देता हूँ। तभी बादल गरजने लगे, मोर नाचने लगा, उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए। आशीष खुशी से उछल पड़ा, अद्भुत दृश्य था। उसने इससे पहले मोर को नाचते कभी नहीं देखा। दीदी, इसकी पूंछ देखो, कैसा चमकदार गहरा हरा रंग है। पंखों में तो लगता है कि ढेर सारी तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं। इनके बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है। आशीष प्रसन्नता और जोश में बोले जा रहा था। तो बच्चों, ये हमने नोट कर लिया है और गद्यांश आपने पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग लिखते हैं इसको, दिए गए प्रश्नों को तरफ करेंगे। तो चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, नोट करो इसे। पहला प्रश्न, बादलों के गरजने पर कौन नाचने लगा, कौन नाचने लगा। बच्चों, जैसा गद्यांश में दिया हुआ है कि जब बादल गरज रहे थे तो मोर नाचने लगा था। हमारे गद्यांश के अनुसार, तो हम गद्यांश के अनुसार ही लिखेंगे, मोर शब्द नहीं लिखेंगे, पूरा वाक्य लिखेंगे। बादलों के गरजने पर मोर नाचने लगा। दूसरा प्रश्न है, बादलों के गरजने पर कौन नाचने लगा, बादलों के गरजने पर मोर नाचने लगा। इसके बाद है, मोर के पूंछ का रंग कैसा होता है। मोर के पूंछ का रंग कैसा होता है। तो मोर के पूंछ का रंग कैसा होता है, रंग हमें बताना है। तो जो हमें गद्यांश में लिखा है वही लिखेंगे।
वो देखेंगे मोर के पूंछ का रंग, मोर के पूंछ का रंग चमकदार गहरा हरे रंग का, चमकदार गहरा गहरा हरे रंग का, गहरा हरा रंग का, हरा रंग का होता है। प्रश्न 3, मोर के पूंछ का रंग चमकदार गहरा हरा रंग का होता है। गहरा हरा रंग दो दो बार नहीं आएगा तो इसको हटा देते हैं। अब देखिएगा अब सही हो गया। प्रश्न है मोर के पूंछ का रंग कैसा होता है? मोर के पूंछ का रंग चमकदार गहरा हरा होता है, गहरा हरा होता है, तो ये लिख देते हैं होता है। अगला है मेघ का, अरे लिखते हैं बादल का, बादल का पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द लिखो, क्या लिखें? ओ क्या होगा? बादल का मेघ होता है। क्या होता है बादल का पर्यायवाची? मेघ। इस शब्द में इसका उत्तर दिया जा सकता है। हमें पूछा गया है बादल का पर्यायवाची शब्द लिखो। एक अंतिम एक और हमें प्रश्न लिखना है। प्रश्न होगा 1-4, प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न है कौन कौन मोर को नाचता देख देखकर खुशी से उछल पड़ा, खुशी से उछल पड़ा। तो कौन उछल पड़ा था? आशीष। हाँ हमें पता है, सही आपने बताया, आशीष ही खुशी से उछल पड़ा था। तो यही हम उत्तर लिखेंगे, पूरा वाक्य में लिखेंगे, एक शब्द में नहीं देंगे। कुछ बच्चे केवल एक शब्द में उत्तर लिख देते, नाम लिख देते, तो लिखेंगे मोर को नाचता देख, मोर को नाचता देख आशीष आशीष खुशी से उछल पड़ा। तो आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए इसको। तो पठित गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से आता है, ज़रा सावधानी से उसका उत्तर देना है। जितना हमें पूछा जाता है हम उतना ही उत्तर देंगे। कुछ बच्चे बहुत बड़ा उत्तर देने की कोशिश करते हैं, हमसे टू दी पॉइंट ही आंसर देना है। जितना पूछा जाएगा उतना ही हम उत्तर देंगे। तो ये था हमारा एक पठित गद्यांश का आज हमने अभ्यास किया है, और आज हमारे व्याकरण में बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।